नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान की ज्योग्राफी के जो जो टॉपिक थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें से अपना पहला टॉपिक चल रहा था और उसमें अपने तीन भाग कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों चौथा भाग है, टॉपिक का नाम था राजस्थान का भूगोल एक परिचय। आज दोस्तों ये अंतिम भाग है इस टॉपिक का, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें देखो, स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह है। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह है, तो दोस्तों वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, देखो, अलवर भरतपुर, बीकानेर गंगानगर, जैसलमेर पाली, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैसलमेर पाली, ठीक है। तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसलमेर और पाली है ये एक दूसरे से टच नहीं होते, बाकी के जो जिले हैं वो एक दूसरे से टच होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राजस्थान की कौन सी रियासत राजपूत रियासत थी? राजस्थान की कौन सी रियासत राजपूत रियासत थी? तो दोस्तों देखो, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो कौन सी थी जो राजपूत रियासत थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है करौली, ठीक है। करौली जो रियासत थी वो राजपूत रियासत थी, तो चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राजस्थान की कौन सी रियासत सबसे नवीनतम मानी जाती है? तो कौन सी रियासत है वो सबसे नवीनतम मानी जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सी रियासत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झालावाड़। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राजस्थान के एकीकरण के समय जैसलमेर के शासक कौन थे? राजस्थान के एकीकरण के समय जैसलमेर के शासक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रघुनाथ सिंह, ठीक है। कौन से थे? रघुनाथ सिंह। एक नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 105 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, मत्स्य संघ के गठन के दौरान किसे राज प्रमुख का पद प्रदान किया गया? मत्स्य संघ के गठन के दौरान किसे राज प्रमुख का पद प्रदान किया गया? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है उदयभान सिंह। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राजस्थान के एकीकरण के दौरान सर्वप्रथम मत्स्य संघ के गठन का कारण क्या था? राजस्थान के एकीकरण के दौरान सर्वप्रथम मत्स्य संघ के गठन का कारण क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखो, इस क्षेत्र में होने वाले सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, एक तो कारण ये था, दूसरा था महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र इस क्षेत्र में रचा गया, और तीसरा था अलवर भरतपुर रियासतों की स्वतंत्रता का भय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 107 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, संयुक्त राजस्थान के गठन के समय किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान के गठन के समय किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, किस समिति के सुझावों के आधार पर जयपुर को वृहद राजस्थान की राजधानी बनाया गया? किस समिति के सुझावों पर या किस समिति के सुझावों के आधार पर जयपुर को वृहद राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखो शंकर देवराज समिति, चार ऑप्शन है, सत्यनारायण समिति, सरुण सिंह समिति, दौलतराव समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण समिति, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 109 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के दौरान राजस्थान में कुल कितने जिले थे? राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के दौरान राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितने जिले थे? तो 25 जिले थे इसमें, ठीक है। देखो एकीकरण की प्रक्रिया के समय 1949 की अगर बात करें अपन, तो इसमें 1949 तक 25 जिले थे, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के अंतिम चरण के बाद राज्य में 26 जिले थे, वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 33। 110 नंबर प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो दोस्तों किसे कहते हैं? तो गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है एवं हिंदी में सोहन चिड़िया या हुकना के नाम से दोस्तों ये प्रसिद्ध है। ठीक है, गोडावन एक एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करता है, गोडावन है वो एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चिंकारा। ठीक है, चिंकारा ये राजस्थान का राज्य पशु है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं 112 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, तो खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष है, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान के संलग्न जिले हैं, तो राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सिरोही, पाली और नागौर, ये दोस्तों राजस्थान में संलग्न जिले हैं। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना था किस संभाग में है, तो दोस्तों 2008 में कौन सा जिला बना था, तो दोस्तों सबको पता होगा इसका, तो कौन सा जिला बना था, प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये दोस्तों ये कौन से संभाग में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर संभाग में। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 115 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, तो दोस्तों जोधपुर में है सबसे अधिक जिले, कितने जिले हैं, 6 जिले हैं जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो देखो जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, और उदयपुर के अंदर भी दोस्तों 6 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ठीक है, 116 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो संविधान सभा में राजस्थान से जो सदस्य भेजे गए थे उनमें से कौन सा शामिल नहीं था, संविधान सभा में राजस्थान से जो सदस्य भेजे गए थे उनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं था, तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है टीकाराम पालीवाल। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो किस जिले से 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, किस जिले से 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, वह है, तो वह कौन सा जिला है, तो वो है दोस्तों इसमें जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर से 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है 118 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राज्य का राज्य पक्षी एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह है कौन सा है, राजस्थान का राज्य पक्षी एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह है कौन सा है, तो राज्य पक्षी कौन सा है, तो राज्य पक्षी की अगर अपन बात करें तो दोस्तों मोर मत कर देना इसमें, तो इसका हो जाएगा गोडावन। ठीक है, और राज्य पशु है वो कौन सा है, तो वह ऊँट और चिंकारा। ठीक है, ऊँट और चिंकारा। देखो दोस्तों बात है 19 सितंबर 2014 की। ठीक है, 29 सितंबर 2014 की बात है, इसमें दोस्तों इस दिन एक अधिसूचना जारी की गई थी, रेगिस्तान के जहाज ऊँट को पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु का दर्जा दिया गया था, जबकि चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में राजकीय पशु रहेगा। ठीक है, वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत तो कौन सा राज्य पशु रहेगा, वह है चिंकारा, और पशुधन श्रेणी की अगर बात करें तो ऊँट। ठीक है, ये इस चीज़ को याद रखना, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य का पूर्व, पश्चिम व उत्तर दक्षिणी देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है, तो दोस्तों पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण का देशांतरीय विस्तार अपने को बताना है, तो दोस्तों सबको बता होगा 8 डिग्री 47 मिनट से और 7 डिग्री 9 मिनट तक। ठीक है, ये है दोस्तों इसका जो देशांतरीय और अक्षांशीय अंतराल, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 120 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है, वह है, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है, वह है, तो दोस्तों वह कौन से जिले का है, तो भीलवाड़ा जिले का है, कौन से जिले का, भीलवाड़ा जिले का है दोस्तों उत्तर से दक्षिण विस्तार। नेक्स्ट है
121 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश के साथ में, कितनी 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, इनमें से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, तो दोस्तों चार ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हनुमानगढ़, ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 123 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया, तो दोस्तों किन किन जिलों के क्षेत्रों से मिलाकर किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन चार जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर दोस्तों प्रतापगढ़ का गठन किया गया था, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्रतापगढ़ जिला उदयपुर के दाहरियाबाद, चित्तौड़गढ़ के छोटी सादड़ी अरनोद और प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा से पीपल खूट को मिलाकर बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 124 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह है, तो दोस्तों कहां से प्रारंभ होती है ये दक्षिण जड़ अरावली की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहां से, तो ये पालनपुर से, पालनपुर कहां पर पड़ता है गुजरात में, और अगर दोस्तों पालनपुर में भी पूछ ले तो कहां पर है खेड़ ब्रह्मा से, ठीक है। नेक्स्ट है 125 नंबर प्रश्न है, आबू पर्वत खंड निर्मित है, तो दोस्तों आबू पर्वत खंड है ये ग्रेनाइट से निर्मित है, किससे निर्मित है ग्रेनाइट से। नेक्स्ट 126 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो रघुनाथगढ़ सिकर, ठीक है सिकर में दोस्तों जो चोटी है पर्वत चोटी है वो रघुनाथगढ़ है, बैराज है ये अलवर के अंदर है, बबाई है ये झुंझुनू के अंदर है, ठीक है, तो ये पर्वत चोटियां अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है, तो किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये दोस्तों उत्तरी अरावली के अंदर स्थित है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें देखो ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं था, ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो दोस्तों भीलवाड़ा, ठीक है भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऊपरमाल पठार है वो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के क्षेत्र तक आता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों बिजोलिया नहीं, इसके अंदर कोटा आएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा, ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कोटा नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट है और देखो इसमें अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित जिले हैं, तो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित जिले हैं वो कितने हैं, तो वो है दोस्तों कितने 20 जिले तो पूर्व में हैं और पश्चिम में है 13 जिले, इस चीज़ को याद रखना, तो चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेसा का पठार स्थित है, तो दोस्तों मेसा का जो पठार है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है मेसा का पठार, और चित्तौड़गढ़ का किला है वो इसी मेसा के पठार पर निर्मित है। 130 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो रुक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों रुक्ष क्षेत्र के नाम से कौन कौन से जिले जाने जाते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से देख लो इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों रुक्ष क्षेत्र के नाम से अलवर, भरतपुर और धौलपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अलवर, भरतपुर और धौलपुर को जाना जाता है रुक्ष क्षेत्र के नाम से, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, तो इसमें देखो राज्य पक्षी की अगर बात करें अपन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखो क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स, ठीक है, ये इसका दोस्तों इसका जो नाम है, ठीक है, ये गोडावन का जो वानस्पतिक नाम है इसका, ठीक है, इसे इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है
132 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं, तो किस भूगर्भिक काल की हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोरासिक एवं ईओसीन युग की, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है, तो दोस्तों दक्षिणी पूर्व जो क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न है, उदयपुर से जयसमंद झील तक विस्तृत पठारी भूभाग कहलाता है, उदयपुर से जयसमंद झील तक विस्तृत पठारी भूभाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, लसाड़िया का पठार कहलाता है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है, तो दोस्तों जैसलमेर जिले में रन का बाहुल्य है, 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है, तो ये दोस्तों किस प्रकार की है, वलित श्रेणी की, ठीक है, वलित पर्वतमालाओं में से एक है अरावली पर्वतमाला, ठीक है, इसकी आयु है 650 मिलियन वर्ष के लगभग है इसकी आयु, ठीक है। नेक्स्ट 137 नंबर प्रश्न है, देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है, देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कितना, 20%, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, तो राजस्थान की जल विभाजक रेखा है वो कौन सी है, तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला है जिसको जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, इसमें देखो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कौन से जिले को रेगिस्तानी जिला घोषित नहीं किया गया, पश्चिमी जिले में स्थित या पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कौन से जिले को रेगिस्तानी जिला घोषित नहीं किया गया, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा जिला, तो वो है सिरोही, ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है, तो दोस्तों जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर, ठीक है, सबको पता होगा ये तो। 141 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो हमारे देश का सबसे गर्म एवं शुष्क प्रदेश है, हमारे देश का सबसे गर्म एवं शुष्क प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों एक ही है जिसके नाम के पीछे स्थान लगता है वो है राजस्थान, ठीक है, तो दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है, तो किसे कहा है हिंदू ओलंपस, तो दोस्तों इसने कहा है गुरु शिखर को, ठीक है, गुरु शिखर यानी कि माउंट आबू को कहा है, ठीक है, हिंदू ओलंपस किसको कहा है, माउंट आबू को, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 143 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली है, तो वो कौन सी है, तो दोस्तों सबको पता होगा कि वो नदी कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करने वाली जो नदी है वो है दोस्तों कौन सी, लूणी व बनास नदी, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 144 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है, निम्न में से बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है, तो कौन सी है, जरगा, ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीले टीलों के स्थिरीकरण में किस वृक्ष प्रजाति का रोपण सर्वाधिक हुआ है, मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीले टीलों के स्थिरीकरण में किस वृक्ष प्रजाति का रोपण सर्वाधिक हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा, देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आड़ू, कुमटा, खेजड़ी, रोयडा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो कुमटा, ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 147 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो पड़ीहारा रण क्षेत्र स्थित है, तो ये
जो रण क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान के किन जिलों में रण का बाहुल्य है, राजस्थान के किन जिलों में रण का बाहुल्य है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर जोधपुर में रण का बाहुल्य है। ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर प्रश्न, इसमें देखो प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जिसको अपन काठल का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, काठल का मैदान भी कहते हैं उसको, वो है दोस्तों प्रतापगढ़। ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 150 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल किस जिले में है, तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का जो क्षेत्रफल है वो किस जिले में है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। तो जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जिले के अंतर्गत आता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 38,401 किलोमीटर। ठीक है, और सागरमल गोपा भी यहीं के थे, इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था जोरावर सिंह के टाइम में, आपको पता होगा। ठीक है, और पीले पत्थरों का शहर कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, और पद्मिनी कहाँ की थी, तो दोस्तों वो श्रीलंका की नहीं थी, वो जैसलमेर की ही थी। पुंगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमौड़, जैसलमेर जन्म लियो परणीगढ़ चित्तौड़। ठीक है, तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि राजस्थानी साहित्य और जैन मुनियों के अनुसार पद्मिनी कहाँ की है, तो वो है जैसलमेर की। ठीक है, अगर वैसे अगर नहीं पूछे ऐसा तो अपने को कहाँ की बताना है, श्रीलंका की, सिंहलदीप की राजकुमारी है। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो पहला चैप्टर था, राजस्थान एक परिचय। ठीक है, तो ये अपना आज कंप्लीट हो गया है, और कल अपना भौतिक विभाग का जो दूसरा चैप्टर आएगा वो कल आएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्या आर एस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।